नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। चुनावी समर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रदेश में राजनीतिक घपरोल भी खूब बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते इस चुनावी माहौल में क्या कुछ रहा, जानेंगे अपने इलेक्शन स्पेशल साप्ताहिक बुलेटिन में, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनावों के अंतिम मैदान में अब कुल 55 उम्मीदवार हैं। इस बीच चुनावी तपिश धीरे धीरे बढ़ रही है। शुरुआत में बेहद नीरस नजर आ रहा यह चुनाव अब रंग जमाने लगा है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा गढ़वाल लोकसभा सीट की हो रही है, जिसमें एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। तो इलेक्शन स्पेशल एक्स्ट्रा कवर की शुरुआत गढ़वाल की इसी सीट से करते हैं, जिसे अब बैटल ऑफ बहोगणा का रिपीट टेलीकास्ट भी कहा जाने लगा है। ये बैटल ऑफ बहोगणा क्या है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले गढ़वाल सीट को थोड़ा समझ लेते हैं। पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल जिले तक फैले इस लोकसभा क्षेत्र के चुनावी आंकड़े बीते 3 दशक से कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। इस दरमियान कांग्रेस यहां सिर्फ 2009 में ही एक बार जीत पाई थी। दूसरी तरफ 1991 में मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की एंट्री के बाद से गढ़वाल में भाजपा 8 में से सिर्फ 2 बार ही हारी है। तब से ये सीट कड़क फौजी अफसर की छवि रखने वाले बीसी खंडूड़ी के होम ग्राउंड की तरह रही है। 2019 में खंडूड़ी ने सियासत से वीआरएस लिया तो भाजपा ने उनके प्रिय शिष्य तीरथ सिंह रावत को उनकी विरासत सौंपने का काम किया। तब तीरथ के सामने कांग्रेस से खुद खंडूड़ी के बेटे मनीष मैदान में थे, लेकिन भाजपा का मजबूत किला बन चुकी गढ़वाल सीट ने एक बार फिर से कमल का बटन दबाकर तीरथ को 3 लाख के भारी भरकम अंतर से जीत दिला दी। आप कह सकते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला के स्लोगन की ही तरह गढ़वाल मतलब भाजपा। शायद इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने राज्यसभा का सुरक्षित रास्ता छोड़कर गढ़वाल के जरिए लोकसभा जाने का विकल्प चुना होगा। मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी अनिल बलूनी की इतनी तो चलनी ही थी कि वो अपनी मनपसंद सीट के लिए 2-2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का राजनीतिक करियर घाम लगा दें। लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले आंकड़े कई बार अनिवार्य तौर से भविष्य का आउटकम बयान नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ अब गढ़वाल में भी हो रहा है, जहां अनिल बलूनी ने आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी घोषित होने से पहले आक्रामक बल्लेबाजी की और कांग्रेस में इस कदर दल बदल करवाया कि कांग्रेस गढ़वाल से प्रत्याशी विहीन और विधायक विहीन हो गई। लगभग इसी तरह की विकल्पहीनता में गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रत्याशी बने। कांग्रेस वर्करों के बीच बेहद उदासी, थकान और खालीपन वाले माहौल में गोदियाल ने चुनावी तैयारी शुरू की। उनके पक्ष में एक बात तो ये अच्छी हुई कि इत्तेफाक से कांग्रेस ने उनके नाम की घोषणा पहली लिस्ट में ही कर दी। तब तक खुद अनिल बलूनी का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं हो पाया था, लेकिन जैसे ही बलूनी प्रत्याशी घोषित हुए, अचानक ही सोशल मीडिया युवा गढ़वाली गायक सौरभ मैठानी के चर्चित गीत मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रौन वाली से गूंज उठा। सौरभ का गीत इस समय वैसे ही तमाम रील्स में ट्रेंड कर रहा था। कांग्रेस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए इस गीत के जरिए अपना इलेक्शन कैंपेन खड़ा कर दिया, जिसमें पहाड़ों को रहवासी का मतलब गणेश गोदियाल और दिल्ली रौन वालू का आशय अनिल बलूनी से लगाया जा रहा है। हाल फिलहाल कांग्रेस ने उत्तराखंड तो क्या, राष्ट्रीय स्तर पर भी शायद ही कभी ऐसे मौके पर चौका लगाया हो। दरअसल अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख होने के नाते अब तक ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहते आए हैं। इस कारण कांग्रेस ने झट से चुनाव को लोकल बनाम प्रवासी का बना दिया है। दीगर बात यह है कि एक वक्त में रोजी रोटी के फेर में खुद गोदियाल अपने जीवन का लंबा समय मुंबई में बिता चुके हैं। वैसे भी प्रवास तो हम पहाड़ियों के मुकद्दर में बंधा हुआ है, लेकिन चुनाव में इन महीन बातों को सुनता ही कौन है। शुरुआत में तो भाजपा ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज किया, लेकिन बलूनी ने नामांकन के दिन से ही केंद्रीय मंत्री से लेकर भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारकर स्टार वॉर का ऐलान कर दिया। इससे कांग्रेस को उन पर हमला करने का एक और मौका मिल गया, और ठीक यहीं से गोदियाल ने चुनाव को 1982 के बैटल ऑफ बहोगणा की तरफ मोड़ दिया। बलूनी के एक दिन बाद गोदियाल के नामांकन में कोई स्टार तो क्या, उत्तराखंड कांग्रेस का कोई प्रमुख चेहरा तक शामिल नहीं दिखाई दिया। जो थे भी वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के ही नेता थे, लेकिन भीड़ के लिहाज से गोदियाल कहीं भी अनिल बलूनी के मुकाबले 19 नजर नहीं आए। इस तरह बलूनी की हाई प्रोफाइल स्टार कास्ट के लिए जुटी भीड़ पर गोदियाल की बिना स्टार वाली भीड़ मनोवैज्ञानिक बढ़त दिला गई। आप इसकी तुलना एक ऐसे क्रिकेट मैच से कर सकते हैं जिसमें एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो और दूसरी तरफ नौसिखिया नीदरलैंड या अफगानिस्तान की टीम। ऐसे में मुकाबला अगर करीबी हो जाए तो कमजोर आंखें जाने वाली टीम को भरपूर वाहवाही मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे दंगल फिल्म में अपना पहला दंगल लड़ी गीता फोगाट को मिली थी।
जब लड़कों से दंगल करने के लिए गीता ने सबसे मजबूत पहलवान को चुनौती देते हुए हाथ आगे बढ़ाया था तो पास ही खड़े गीता के पिता से किसी ने कहा था, बावड़ी हो गई है तेरी छोरी। इस पर गीता के पिता का किरदार निभा रहे आमिर खान का जवाब था कि दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है, मेरी छोरी डर से तो जीत गई है। इन चुनावों में जहां कांग्रेस के कई कथित दिग्गज रण क्षेत्र से ही पलायन कर गए, वहां गणेश गोदियाल चुनाव में शुरुआती दौर में इसीलिए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने लगे हैं। उन्होंने मायूस, उदास और थके हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी जैसे एक जान फूंक दी है। अब सभी उत्साही कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ कोरस में गाने लगे हैं कि निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन। कुछ वैसे ही जैसे बैटल ऑफ बहुगणा के समय हुआ था, वही बैटल ऑफ बहुगणा जिसका जिक्र हमने इस बुलेटिन की शुरुआत में भी किया था। तो हुआ यूं कि साल 1980 में जब स्वर्गीय एचएन बहुगणा की इंदिरा गांधी से ठनी तो उन्होंने आम चुनावों के कुछ महीने बाद ही कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। तब इंदिरा गांधी आपातकाल के बाद फिर से सत्ता में लौटी थी। उनका आत्मविश्वास और गुरूर सातवें आसमान पर था। इस तरह उन्होंने गढ़वाल उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया। तनातनी के इस माहौल में उपचुनाव में कई महीनों की देरी हुई। जैसे तैसे साल 1982 में उपचुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी ने खुद के साथ ही आसपास के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पहाड़ में प्रचार और प्रबंधन के लिए उतार दिया। बहुसंख्यक पर्वतवासियों ने तब शायद पहली बार इतनी करीब से हेलीकॉप्टर देखा होगा। उत्तेजना के माहौल में तब कई जगह बाहर से आए कांग्रेस वर्कर्स और पुलिस फोर्सेस की स्थानीय लोगों से भिड़ंत भी हुई। कई जगह लोगों ने लाठी और बंदूक की बटों का जवाब कंडाली से दिया था। इस सब के बीच बहुगणा उस चुनाव को दिल्ली की ताकत बनाम पहाड़ का स्वाभिमान में बदलते गए। पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, ये उद्घोष उन्होंने इसी चुनाव में किया था। आखिरकार बहुगणा कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन सिंह नेगी को बड़े मार्जिन से हराकर जीतने में कामयाब हुए। अब सवाल ये है कि चुनाव 2024 की तुलना 1982 से क्यों की जा रही है। दरअसल इस बार अनिल बलूनी ने नामांकन के साथ ही स्टार वॉर शुरू कर दी है। अब जल्द ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे बड़े चेहरे राज्य में प्रचार के लिए आने वाले हैं। इसके मुकाबले कांग्रेस में स्टार तो क्या कोई मोमबत्ती तक नहीं है। अपने संगठन की इस कमजोरी को अच्छी तरह समझने वाले गणेश गोदियाल इसीलिए स्टार वॉर के दबाव में आने के बजाय इसे दिल्ली बनाम पहाड़ की लड़ाई में बदल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहुगुणा ने किया था। गोदियाल नामांकन से एक दिन पहले न सिर्फ बुधाणी स्थित स्वर्गीय एचएन बहुगणा के पुश्तैनी आवास पर पहुंचे, बल्कि वो बहुगणा के 1982 वाले डायलॉग को ही बार बार दोहरा रहे हैं कि दिल्ली की सरकार उन्हें जीतना नहीं देखना चाहती लेकिन गढ़वाल की जनता उन्हें हारने नहीं देगी। गोदियाल अपने इनकम टैक्स के नोटिस को भी इसी से जोड़ रहे हैं। अब तक बलूनी कैंप गोदियाल के इन मुद्दों की कोई ठोस काट सामने नहीं ला पाया है। वैसे दोनों उम्मीदवारों की तटस्थ तुलना की जाए तो बलूनी की छवि मोदी सरकार में बेहद प्रभावशाली होने के नाते राज्य के लिए कई अहम काम करवाने वाले नेता की रही है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर केंद्र में फिर से मोदी सरकार बनती है तो बतौर गढ़वाल सांसद इसमें बलूनी को अहम मंत्रालय दिया जा सकता है जो राज्य के ही काम आएगा। दूसरी तरफ गणेश गोदियाल की पार्टी के लिए बहुत उत्साहित माहौल तो नहीं है, लेकिन गोदियाल एक सरल पहाड़ी मनखी की छवि जरूर रखते हैं जो लगातार दो दो चुनावी हार के बाद भी पहाड़ में डटे हुए हैं। उनका गढ़वाली में संबोधन, बिना लाग लपेट संतुलित तरीके से बात रखना उनके पक्ष में माहौल बना रहा है। इस तरह गढ़वाल का चुनाव दो शख्सियतों की रोचक लड़ाई में तब्दील हो चुका है जिसका पल्ला अब किसी भी तरफ झुक सकता है। अब प्रदेश अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर इस चुनाव में भी सबसे कम 7 प्रत्याशी मैदान में है। यहाँ चुनाव भाजपा के अजय टमटा और कांग्रेस के प्रदीप टमटा के बीच ही है। दोनों टमटा बंधुओं के प्रति पब्लिक का रुख एक समान ठंडा है। यहाँ चुनाव परिणाम तय करने में प्रत्याशी की बजाय संगठन और संसाधन निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट का चुनाव हल्द्वानी दंगा और किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में हो रहा है। यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच जोरदार टक्कर हुई थी, इस कारण लोकसभा चुनावों में भी टक्कर की उम्मीद की जा सकती है। वैसे यहाँ कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाता संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी हरिद्वार सीट पर सर्वाधिक 14 उम्मीदवार हैं, जिसमें भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने विपक्ष से कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, बसपा से जमील अहमद और निर्दलीय उमेश कुमार भी गंभीर प्रत्याशी आंके जा रहे हैं। इस तरह विपक्ष के मतों में होने वाला बिखराव त्रिवेंद्र रावत का ही सियासी बनवास खत्म कर सकता है। टिहरी में भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस के ज्योत सिंह गुनसोला के मुकाबले में निर्दलीय बॉबी पवार चुनाव को रोचक बनाते जा रहे हैं। बॉबी खासकर युवाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। मसूरी विधानसभा में ही प्रचार के दौरान क्षेत्रीय विधायक गणेश जोशी और माला राज्य लक्ष्मी शाह से नाराज मतदाताओं द्वारा इन दोनों के सामने ही बॉबी पवार के समर्थन में नारे लगने से स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का लाभ कांग्रेस के ज्योत सिंह गुनसोला के बजाय निर्दलीय बॉबी पवार को मिल सकता है।
प्रदेश के सियासी माहौल की चर्चा बसपा की रणनीति पर गौर किए बिना अधूरी है। परंपरागत तौर पर देखा जाए तो बसपा का जनाधार उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले तक ही सीमित रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में भी हरिद्वार से ही बसपा के दोनों विधायक जीते थे। इन दोनों सीटों पर ही दलित और मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन बसपा ने इन दोनों मैदानी सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर कांग्रेस की आशंकाओं को ही पुष्ट किया है। इसमें हरिद्वार के प्रत्याशी जमील अहमद तो यूपी के मुजफ्फरनगर से लाए गए हैं। इस तरह साफ है कि बसपा के दोनों प्रत्याशी अल्पसंख्यक मतों में सेंधमारी कर चुनावी समीकरण को निर्णायक रूप से प्रभावित करेंगे। कमाल की बात यह भी है कि हरिद्वार से पहले भावना पांडे बसपा प्रत्याशी मानी जा रही थी। उन्होंने नामांकन प्रक्रिया के बीच ही बसपा का दामन भी थाम लिया था, लेकिन दो दिन बाद ही बसपा ने भावना पांडे के बजाय जमील अहमद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। गजब तो ये हुआ कि सामान्य तौर पर बेहद आक्रामक भावना पांडे ने अपना टिकट कटने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि वो लंबे समय से हरिद्वार में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही थी। अब पूर्व सीएम हरीश रावत शिकायत कर रहे हैं कि इस बार कुछ पॉलिटिकल सुपारी किलर भी चुनावी मैदान में हैं। जी हाँ, सियासी सुपारी किलर। बहरहाल ये भी एक विडंबना है कि प्रदेश की चुनावी चर्चा में बसपा का जिक्र तक अनिवार्य लगता है, लेकिन प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इतनी इररिलेवेंट हो चली है कि उसका जिक्र किए बिना भी चुनावी चर्चा पूरी हो जाती है, और ये बात किसी को खलती तक नहीं। कुर्सी के इस रण में यूकेडी अपनी वो एकमात्र कुर्सी भी गंवा चुकी है जो बतौर चुनाव चिन्ह उसके झंडे पर चिपकी मिलती थी। ए से लेकर जेड तक के धड़ों में बटी इस पार्टी का चुनाव चिन्ह भी अब इसका नहीं रहा। ऐसे में यूकेडी को कहीं छड़ी चुनाव चिन्ह मिला है, मानो दर्शा रहा हो कि अब ये छड़ी ही उसका अंतिम सहारा है, और कहीं उसका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है जिसके साथ ही एक अदृश्य टैगलाइन पढ़ी जा सकती है कि इंजॉय बिफोर इट मेल्ट्स। वैसे यूकेडी नेता मनोरथ ध्यानी ने चुनाव चिन्ह छिनने को एक साजिश बताया है। उनका कहना है कि मूल निवास और भू कानून जैसे आंदोलनों के चलते उक्रांत को जो जनसमर्थन मिल रहा था उससे राष्ट्रीय दलों की जमीन खिसकने लगी थी, और इसीलिए उन्होंने साजिशन उक्रांत को कमजोर करने के लिए ऐसा किया। यूकेडी से सहानुभूति रखने वाले लोग दिल से तो यही चाहते होंगे कि काश ध्यानी जी का ये आरोप सच होता। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा की स्थिति में जा पहुंची यूकेडी काश सच में कभी इतनी मजबूत हो पाए कि कांग्रेस भाजपा उसे कमजोर करने के लिए ऐसी साजिशें रचें। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। हमेशा की तरह अपनी प्रतिक्रियाएं और समर्थन हमें देते रहिएगा। आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स या चैनल मेंबरशिप का विकल्प भी चुन सकते हैं। उन सभी दर्शकों का विशेष आभार जिन्होंने पिछले वीडियोस में हमें समर्थन दिया। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव या सूचना हो तो हमें इस मेल आईडी पर लिख भेजिएगा। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया पहलाग नमस्कार।